जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया में आज नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन तथा एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक शंकरलाल देचा रहे। वहीं अध्यक्षता कांग्रेस ICC अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने की तथा विशिष्ट अतिथि प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा एवं पंचायत समिति सदस्य जयंती लाल कटारा रहे। आज पाडला हांडलिया में ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन हुआ। इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी सरपंच साहिबा तुलसी देवी कचराबाई मालीवाड़, जिन्होंने जनसेवा के साथ साथ में ग्राम पंचायत में सरपंच रहते हुए अलग से सेवा करने का मन बनाया। और ये पहली बार हम सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, कि तुलसी देवी कचराबाई मालीवाड़ ने अपनी ग्राम पंचायत में अगर कोई मरीज बीमार होता है तो उसके लिए अपने खुद के स्वयं के पैसे से और स्वयं पैसा वहन करते हुए उस मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। तो शायद ऐसे लोगों की आवश्यकता है, सेवा करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इनके साथ में जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके सबकी प्रेरणा से ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी हमारे पार्टी के BJP के भी कार्यकर्ता हैं, तो कांग्रेस के भी हैं, सभी लोग हैं। हम साथ में मिल करके आए और ये उद्घाटन पंचायत भवन का किया है। बहुत ही अच्छा भवन बनाया। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई कचरा भाई और उनके पत्नी सरपंच है इनको, और ये पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता हैं मेरे साथ में, हमारे ये सभी पार्टी के कार्यकर्ता इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी प्रेरणा से ये काम हाथ में लिया है, तो आगे उपलब्धियाँ ही इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बच्चों के लिए भी इन्होंने कोई घोषणा करी है कि बच्चे अगर अच्छे नंबर अच्छे प्रतिशत लाते हैं तो उनके लिए भी? हाँ, अभी मंच पर ये बात हो रही थी कजरा भाई ने और इनकी पत्नी सरपंच है इन्होंने, कि जो भी बच्चा बालक 12वीं में बोर्ड में 75% अंक लाता है तो उसको यहाँ से बाई प्लेन दिल्ली तक यात्रा कराएंगे उदयपुर से। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अपने को कैसे भी करके लेकिन आगे बढ़ना, नंबर लाना यूं करके, तो इसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र हैं। हमने 4 साल में पूरे ग्रामीण ग्राम पंचायत के और विशेषकर हमारे डूंगर भाई आधी रात को जब जरूरत पड़ी ऐसे और गाँव के सभी इन्होंने, हम 4 साल से इसकी लड़ाई लड़ी और सत्य हमेशा विजयी होती है। सत्य की भले देर से मिला लेकिन हमें अच्छा सुकून मिला और हमारे ये भवन का आज उद्घाटन हुआ। पहले तो हमारे पंचायत भवन में सब पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन, और भवन का आप सब पधारे देखा, भवन हमने बनाया बहुत बढ़िया दिल से बनाया। थोड़ी तकलीफ पड़ी, 3 साल तक हम परेशान रहे, पर BJP और कांग्रेस दोनों का सहयोग लेके और अच्छा काम विकास चालू ही है, काम तो करवा रहे हैं सब पार्टी वाले। हमारे नातू भाई ये है डोंगर भाई हैं, बाबजी प्रतीक सिंह जी हैं, एक कमेटी बनी थी हमारी, वो पूरा अभी भी पेशियों में जा ही रहे हैं सब, बांसवाड़ा वो 40 सक्रिय ही चल रहा है। पर सब नेताओं गण के आशीर्वाद रहा पाडला पे सबका है, प्रधान जी का, जिला प्रमुख का है, विधायक साहब का है, खोडनिया जी का है, हम सबको साथ लेके चल रहे। वो चुनाव की बात अलग है, बाकी यूँ हम सबको साथ लेके चल रहे, सबको सम्मान देते हैं हम।